में पीटर मुखर्जी से करीब 12 घंटे हुई पूछताछ। मुंबई पुलिस ने तीनों आरोपियों इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्याम राय से कराया पीटर का आमना सामना। कल भी पुलिस स्टेशन में हो सकता है सवाल जवाब। पीटर से सवालों के बीच उनके घर पर भी हुई तलाशी। 2 लैपटॉप, आईफोन और आईपैड समेत संपत्ति के कई अहम दस्तावेज पुलिस ने जब्त किए। बेडरूम और गैराज में भी सबूतों की तलाश। कोलकाता में सिद्धार्थ दास के घर में जाकर मुंबई पुलिस ने की पूछताछ। दास ने कहा पुलिस को दिया लिखित बयान। इंद्राणी और शीना के संबंधों को लेकर सिद्धार्थ से सवाल जवाब। मुंबई भी लाए जा सकते हैं सिद्धार्थ दास। मुंबई पुलिस ने की वर्ली इलाके की एक दुकान की पहचान। संजीव खन्ना और इंद्राणी ने यहीं से किराए पर ली थी कार। शीना मर्डर केस में नया मोड़। सूत्रों के मुताबिक खार थाने वकील गुंजन मंगला के साथ बातचीत में इंद्राणी ने मिखाइल को बताया गोद लिया हुआ बेटा। सूत्रों की खबर, इंद्राणी ने अब तक शीना के कत्ल की बात नहीं मानी है। कहा है जो गुनाह नहीं किया वो स्वीकार नहीं करूंगी। दस ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का मुंबई में मिला जुला असर। टैक्सी ना चलने से परेशान रहे लोग। सीपीआई नेता गोविंद पानसरे की मौत की जांच एसआईटी से कराने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा एक हफ्ते में जवाब। पानसरे के परिवार की याचिका पर हुई सुनवाई। पानसरे के परिवार का आरोप, फरवरी में हुई हत्या की जांच में महाराष्ट्र पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र धाबोलकर हत्याकांड की जांच में देरी से बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज। 2 साल पहले हुई हत्या की जांच में कोई कामयाबी ना मिलने पर जताई चिंता। हाईकोर्ट ने धाबोलकर केस की जांच कर रही सीबीआई से एक हफ्ते के अंदर मांगी स्टेटस रिपोर्ट। पुणे में अगस्त 2013 में हुई थी धाबोलकर की हत्या। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ अशोक चौहान का राज्य के जिला अध्यक्षों को निर्देश। सूखे से निपटने में फेल हुई फडणवीस सरकार के खिलाफ उठाया आवाज। चौहान ने कहा सरकार सूखे को लेकर गंभीर नहीं, मराठवाड़ा में राहत पहुंचाने की तुरंत जरूरत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्रशासन को निर्देश, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 10% पानी जानवरों के लिए रखें। नासिक के कुंभ मेले में बनाया गया नो सेल्फी जोन। भीड़ में हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम। दबाव में बाजार, निफ्टी 69 अंक गिरकर पिछले एक साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। रुपए में लगातार तीसरे दिन मामूली सुधार। $1 के मुकाबले 3 पैसे उछलकर 66.19 रुपए पर बंद हुआ रुपया। मुंबई में बड़ी पर्यटकों की संख्या, साथ ही देश की आर्थिक राजधानी में सबसे ज्यादा है होटल का किराया। Hotel.com की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक शानदार नाइट लाइफ के लिए मशहूर मुंबई में एक रात का किराया औसतन 8,091 रुपए है। पिछले साल के मुकाबले 5% का इजाफा। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। शीना हत्याकांड के हर पहलू पर लगातार हम नजर रखे हुए हैं। इंद्राणी मुखर्जी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी से लगातार 12 घंटे आज पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई है और कल एक बार फिर से उन्हें पूछताछ के लिए खार थाने में जाना होगा। उन्हें खार थाने बुलाया गया है। पीटर मुखर्जी सुबह करीब 10:20 पर पहुंचे थे खार पुलिस स्टेशन और करीब 12 घंटे तक पुलिस लगातार उनसे पूछती रही। वित्तीय और बिजनेस के मामलों में उनसे जानकारी ली गई। पीटर ने यह भी बताया इस दौरान कि जिस वक्त शीना की हत्या हुई उस वक्त वो भारत में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो बाहर रोम गए हुए थे। तो शीना हत्याकांड में पहली बार मुंबई पुलिस ने आरोपी इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से पूछताछ की और इस वक्त हमारे सहयोगी आतिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार 12 घंटे जब पीटर मुखर्जी अंदर मौजूद थे खार पुलिस स्टेशन के, तो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। आतिर, एक बार फिर से कल पीटर को बुलाया गया है खार पुलिस स्टेशन, लगातार आज पूछताछ हुई, बावजूद इसके कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पूछना बाकी रह गई। देखिए, पीटर मुखर्जी अभी बड़ी कठिन परिस्थिति में हैं।
फिलहाल पुलिस उनको संदिग्ध यानी कि सस्पेक्ट नहीं मान रही है और साथ ही में उनको क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस उनसे पूरी जानकारी निकलवा लेना चाहती है। एक बार पहले उनका लिखित बयान हुआ और आज फिर से 12 घंटे की पूछताछ की गई उनसे, जिसमें उनसे ये पूछा गया। मूल रूप से उनसे जो आज पूछताछ हुई थी वो उनकी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के बारे में हुई थी, कंपनी की होल्डिंग्स के बारे में हुई थी, लेकिन सूत्रों का कहना है पुलिस ने कुछ सवाल उनके रिश्तों के बारे में भी छेड़े। तो पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि आखिर वो 24 अप्रैल 2012 के रोज़ कहाँ पर थे। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि वो उस समय रोम में मौजूद थे और तब इंद्राणी उनसे भारत ये कहकर मुंबई वापस लौटी थी कि उनको एचआर का जो अपना काम है, जो बिजनेस है, उसको फिर से रिवाइव करना है। तो इस तरह की जानकारी जो है पीटर मुखर्जी ने उनको दी है। आज तीनों अभियुक्त और पीटर मुखर्जी पूरे दिन यहाँ मौजूद थे, लेकिन गहन पूछताछ की गई है उनके साथ और कल एक बार फिर से संभवतः उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी आतिर, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल एक बार फिर से बुलाया जाएगा पीटर मुखर्जी को। शीना हत्याकांड में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी के से पूछताछ की है और लगातार मिलाव करने की कोशिश की जा रही थी। पीटर और इंद्राणी के जो बयान थे उसको कई ऐसे सवाल पूछे गए जो इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा सके। गिरफ्तारी के बाद पहली बार है जब पीटर से रूबरू हुई इंद्राणी और उन्हें देखकर वो रो पड़ी। एक पति, एक पत्नी, एक पूर्व पति, पति पत्नी और वो मुंबई के खार थाने में बुधवार को पीटर इंद्राणी और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना से पुलिस ने एक साथ पूछताछ की। बुधवार सुबह लगभग 10:15 बजे पीटर मुखर्जी मुंबई के खार पुलिस थाने पहुंचे। पीटर के पहुंचने से पहले ही हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उसका पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय थाने में मौजूद थे। इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद ये पीटर और इंद्राणी की पहली मुलाकात थी। थाने में पति पत्नी और वो यानी संजीव खन्ना सब एक साथ बैठे। थाने के भीतर मौजूद लोगों ने बताया कि पीटर को देखकर इंद्राणी भावुक हो गई, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गिरफ्तारी के बाद से इंद्राणी रोज पुलिस से पूछती थी कि क्या पीटर आए हैं, और बुधवार को जब मुलाकात हुई तो इंद्राणी ने छोटी मोटी बात भी की। इस छोटी सी मुलाकात के बाद पुलिस अधिकारियों ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को घेर लिया। इसके बाद लंबे समय तक पुलिस ने इंद्राणी और पीटर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। पीटर मुखर्जी तकरीबन 10:15 के आसपास खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और तब से उनसे कई सारे सवाल मुंबई पुलिस पूछ चुकी है। तकरीबन 12:40 के आसपास इंद्राणी मुखर्जी को यहां लाया गया है और अब जब इंद्राणी को लाया गया है तो पीटर को पुलिस के उस केबिन से बाहर निकालकर अब इंद्राणी को रखा गया है। उस केबिन में उस समय जब पीटर मुखर्जी थे तो श्याम राय और खन्ना को भी रखा गया था। सबसे पूछताछ हो रही थी, सबसे मिलकर पूछताछ हो रही थी। पीटर से पुलिस ने इंद्राणी के साथ रिश्तों से लेकर संपत्ति से जुड़े सवाल तक पूछे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पीटर से पूछा कि शीना की गुमशुदगी के बारे में आपको क्या पता था और कब पता चला? मुझे शीना की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं इंद्राणी पर विश्वास करता था, वो 12 साल से मेरी पत्नी है और पत्नी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर उसने जो कहा मैंने मान लिया। शीना आपकी साली नहीं, आपकी सौतेली बेटी है, इसका आपको कब पता चला? हाँ, खबरें आती रहती थी, राहुल ने भी बताया था, और जब मैंने इंद्राणी से इसका जिक्र किया तो उसने बार बार मुझसे यही कहा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझसे ज्यादा शीना के बारे में भला कौन जानता होगा। आपसे जब इंद्राणी की शादी हुई थी तो इंद्राणी ने बताया था इससे पहले उसकी कितनी शादियां हो चुकी हैं और कितने बच्चों के बारे में बताया था? इंद्राणी ने मुझे एक ही शादी और विधि के बारे में बताया था और इसीलिए विधि को मैंने अपना भी लिया था। इंद्राणी ने जब आपसे कहा कि शीना अमेरिका चली गई तो आपने एक बार भी वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की? शीना से ज्यादा कोई ताल्लुक रहा नहीं, वो अलग रहती थी, राहुल की वजह से अनबन बढ़ गई थी, इसलिए शीना के बारे में कभी भी कोई खास पूछताछ नहीं की। आपके बेटे राहुल ने जब शीना का पासपोर्ट मिलने की बात कही तब आपने उस मसले पर इंद्राणी से क्यों पूछताछ नहीं की और सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की?
इंद्राणी से इस बारे में मैंने बात की थी, लेकिन इंद्राणी ने शीना के पास मल्टीपल पासपोर्ट की बात कही थी। दोपहर बाद पुलिस ने पीटर और इंद्राणी को एक साथ बिठाया और कुछ सुलगते सवाल दागे। राहुल और शीना लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, ये जानकारी आप दोनों को कब से थी? दोनों के रिश्ते से आप लोग इतने नाराज क्यों हुए थे? जब राहुल ने आपको शीना के बारे में सब कुछ बता दिया था तो फिर इंद्राणी ने क्या कहा जो आपने उस पर पक्का यकीन कर लिया? आप दोनों की संपत्ति क्या है और आगे इसमें से किसको क्या मिलने वाला है? शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो गाड़ी बुक कराई गई थी वो आप दोनों में से किसके नाम पर बुक थी? इसके अलावा पीटर से पुलिस ने संपत्ति से जुड़े कुछ सवालात भी पूछे। अब तमाम सवालों के जाल और उनके तमाम तरह के जवाबों के बीच पुलिस सुराग तलाश रही है। ये बात अपने आप में कम चौंकाने वाली नहीं है कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी सालों तक एक ही घर में पति पत्नी के तौर पर रहते रहे, लेकिन पीटर ने कभी भी इंद्राणी या फिर शीना के बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं की, न तो इंद्राणी के अतीत के बारे में और न ही शीना की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में। और उसी इंद्राणी को पीटर ने न सिर्फ अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया बल्कि करोड़ों की मालकिन भी बना दिया। कैमरा पर्सन रविकांत सोतावर, विद्या और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक। इंद्राणी मुखर्जी इन दिनों पुलिस हिरासत में है, जाहिर है बंगले का ऐशो आराम तो नहीं मिलेगा। जब से इंद्राणी मुखर्जी पुलिस रिमांड में है, बिना बिजली और पंखे वाली एक छोटी सी कोठरी में दिन रात उनके कट रहे हैं। मखमली बिस्तर पर सोने वाली चटाई बिछाकर जमीन पर सो रही हैं। इंद्राणी की जड़ें असम में थीं, लेकिन अरमानों का आसमान मुंबई बना। इंद्राणी ने कामयाबी की ऐसी बुलंद उड़ान भरी कि मीडिया के शीर्ष पर पहुंच गई। एक एचआर मैनेजर से सीधे एक कंपनी की सीईओ बन गई और उसका चेहरा देखकर कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। जब तक शोहरत रही तो ये पेज थ्री चेहरा मीडिया में चमका। अब बदनामी की ठोकर खाकर झटका लगा तो मीडिया के कैमरे पीछे लग गए। इंद्राणी पहले पेज थ्री पार्टीज में दिखती थी, अब अपराध गाथाओं में दिख रही हैं। जब से आरोप के छींटे दामन पर पड़े हैं, वक्त सलाखों में कट रहा है। जो बंगले में रहती थी वो अब छोटी सी कोठरी में दिन काट रही है। इंद्राणी आज ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है, एक ऐसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में पहुंच गई है जहां सोने के लिए बिस्तर नहीं है, हवा खाने के लिए फैन नहीं है और नाश्ते में सिर्फ चाय और पाव मिलता है, यानी हाल बदहाल हो चुका है। जिंदगी ऐसे करवट लेगी ये इंद्राणी ने अपने सपनों में भी कभी सोचा नहीं था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इंद्राणी को बिना बिजली वाले एक छोटे कमरे में रखा गया है। बिछाने की खातिर एक चटाई दी गई है और ओढ़ने के लिए एक कंबल। मसनदों के सहारे सोने वाली इंद्राणी को तकिया तक नहीं दिया गया है। जिस कमरे में इंद्राणी सोती है वहां पंखा नहीं है, बस एक रोशनदान है जिससे हवा का झोंका आ जाता है। सुबह 7:30 बजे नाश्ते में पुलिस इंद्राणी को चाय और पाव देती है। दोपहर को 12:30 बजे दाल, सब्जी और रोटी दी जाती है और शाम 7:30 बजे रोटी, दाल और सब्जी। वीरेंद्र सिंह गुणावत, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।